प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम मिलकर प्रभु का वचन से कुछ बातें समझने के लिए कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा में मदद करेंगे। इस सुबह के समय हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन, उसका 13 अध्याय 20वीं पद। बुद्धिमानों का संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मेरा प्रियो, हम किस व्यक्ति के साथ एसोसिएट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जीवन में हम बुद्धिमानों का साथ संगति करेगा, हमें भी बुद्धि मिलेगा। मूर्खों का साथ संगति करेगा, मूर्खता हमारा जीवन में भी आएगा। और एक अभिषेक का बात भी ऐसे होते हैं, अनॉइंटिंग। हम अनॉइंटेड लोगों का साथ, अभिषिक्त लोगों का साथ संगति करेगा, उसको बोलते हैं एक एसोसिएट अनॉइंटिंग। अगर प्रभु में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका संगति परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम चर्च में देखते हैं कुछ लोग परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हर एक चर्च में होते हैं दो तरीके के लोग होते हैं। कभी कभी कंप्लेन करने के लिए, किसी का कमियां ढूंढने के लिए, किसी का दोष लगाने के लिए, और सब बातों में लोगों का मन में, सब जगह लोग ऐसे होते। लेकिन आप अपना जीवन में क्या चाहते हैं? बाइबल हमें सिखाते हैं, बुद्धिमानों का साथ संगति करेगा तुम भी बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर की बच्चा, परमेश्वर का बच्चा इस बातों को बहुत ध्यान से, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपसे बताना चाहता हूं। बहुत समय पहले परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा मुझसे बात किया, इसलिए रोंग एसोसिएशन, गलत फेलोशिप, गलत लोगों का साथ बैठना, सारी बातें परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया, ऐसे जगह पर बैठने से दूर। और भजन संहिता, उसका पहला भजन संहिता में भी हमने जो पिछले दिन उस बातों को भी हमने देखा था, पापियों का वहां पर दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों का मार्ग पर नहीं खड़ा होना, ठट्टा करने वालों का मंडलियों पर नहीं बैठना। हमें निर्णय लेना है कहां पर हम संगति करते हैं, किसका साथ बैठते हैं। मेरा प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस 2024 में। अगर आप, आपका जीवन में ऐसे कोई एसोसिएशन है, लोगों का बुराई करने वाला, लोगों का कमियों को ढूंढकर हमेशा गलती बोलने वाला, कुछ लोग नकारात्मक बातें ही बोलते हैं, कोई आशीष की बातें, पॉजिटिव बातें नहीं बोलते, नकारात्मक बातें ही बोलते हैं, उन लोगों का साथ अगर आप संगति करते हैं, आपका जीवन से, इस जीवन में इस साल थोड़ा सा डिस्टेंस कीप करने की कोशिश करो। और डिस्टेंस कीप करना सिर्फ नहीं है, आप प्रभु के साथ समय बिताने वाला, प्रार्थना करने वाला, वचन के अनुसार चलने वाला, धर्मियों का साथ आप संगति करें। आपको मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए एक दारू पीने वालों का साथ आप संगति है, एक बार तो आप अपनी विल पावर में बोलेंगे नहीं, दूसरी बार भी मना करेंगे, तीसरी बार भी मना करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यूस उसका साथ रहेंगे, एक दिन शायद वो व्यक्ति बोलेंगे यार थोड़ा सा पी के देखो, आप ही शायद, चांस बहुत है, आप पी लिया तो आप भी एक शराबी बन सकते। तो इसलिए हम अपने जीवन के अंदर जिसके साथ संगति करते हैं, हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत जगह में हम देखते हैं, होशाफात नामक एक राजा परमेश्वर का भय मानते थे। पहला राजा उसका 22वीं अध्याय में हम देखते हैं, उसने एक बार यहोशाफात आहाब नामक इसराइल का राजा का साथ संगति किया, वो उनके लिए बहुत बड़ा धोखे का कारण बना। आहाब उस समय का सबसे खराब राजाओं में से एक था, क्योंकि इसबेल नामक उसकी पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था, परमेश्वर से दूर रहने वाला, हर बुराई लेकर आने वाले एक पत्नी था, इसलिए उस समय का इसराइल का राजा आहाब, उनका साथ मिलने का कारण उनका जीवन खराब था। और वो राजा एक दिन यहूदा का राजा यहोशाफात उसका साथ युद्ध के लिए गया, विजय नहीं था, युद्ध बहुत पराजय था, यहोशाफात उस युद्ध में मरने वाला था, शत्रु उसको मारने वाला था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो बच गया। आपका संगति किसका साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों का साथ नहीं है, इस साल निर्णय लेना है मुझे प्रभु का साथ चलना है, परमेश्वर का लोगों का साथ, सच्चाई और ईमानदारी और धार्मिकता
और पवित्रदाई में और परमेश्वर का प्रेम में और भलाई करने वाला लोगों के साथ, भलाई बोलने वाला लोगों के साथ मुझे संगति करना है। पवित्र आत्मा उसके लिए हम सबको मदद करे। बाइबल हमें यही बताते हैं, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और वहाँ पर लिखा है, परंतु मूर्खों का संगति करने वाला नष्ट हो जाएगा। हम मूर्ख नहीं बनना, बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है। पवित्र और पवित्रदाई में चलते हैं तो पवित्र और पवित्र बनना है। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु, आज मेरी आवाज़ सुनने वाला हर एक व्यक्ति समझदार बने, बुद्धिमान बने, निर्बुद्धि कभी ना बने, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आशीषित जीवन बिताने के लिए सबको मदद करें। परमेश्वर का लोगों के साथ संगति करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रतिदिन परमेश्वर की सिद्धता की ओर, सामर्थ की ओर बढ़ने के लिए सबको मदद कर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू।